सो हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो गाइस। सो कैसे सब दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, SBI के यूज़र है आप एक, तो इंटरनेट बैंकिंग आप यूज़ कर रहे हो तो इस वीडियो आपके लिए। अगर ये प्रोसीजर आप जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, अगर आपको जानना है तो आप ये वीडियो देख सकते हो गाइस। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा, अगर आपका इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड आपको याद नहीं है और आप लॉगिन कर रहे हैं और लॉगिन नहीं हो पा रहा है, तो इसको कैसे हम रीसेट कर सकते हैं पासवर्ड को, कैसे हम फॉरगेट करके नया पासवर्ड बना सकते हैं, तो सारे डिटेल्स वीडियो में आपको मैं जो है बताने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखिएगा और रिक्वेस्ट है चैनल पे दोस्तों, नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है प्रेस कर लेना, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सकेगा और फ्री है दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो अभी हम शुरू करते हैं और चलते हैं अभी लैपटॉप स्क्रीन पर, वहाँ पर आपको मैं दिखाऊँगा सारे प्रोसीजर। वीडियो को देखते रहिए और कुछ भी कंफ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को फर्स्ट देखिए कॉम्प्लीट, ओके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, अभी हम लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुके हैं, यहाँ पे हम गूगल क्रोम पे पहले ओपन करते हैं और यहाँ पे आपको क्या करना है, न्यू टैब में चले जाना है। यहाँ पर आपको सिंपल से टाइप करना है SBI, ओके। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन चले जाना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओके। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे आप जैसे क्लिक करते हो तो आपके सामने ऐसा कुछ जो इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको लॉगिन सेक्शन में चला जाना है। लॉगिन जाने के बाद यहाँ पे आपको ऐसा कुछ स्क्रीन ओपन होगा, यहाँ पे आपको सिंपल सा करना है कंटिन्यू टू लॉगिन। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आपको डिटेल्स आपको फिल कर देना है, आपका यूज़र नेम पासवर्ड सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करना है, अगर आपको आपको मालूम है, अदरवाइज आपको यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर आपको क्लिक करना है, ओके। तो फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सिलेक्शन कर देना है आपका जो है फॉरगॉट, आपका यूजर नेम फॉरगॉट है या आपको पासवर्ड फॉरगॉट करना है, ओके। तो हम यहाँ पे सिलेक्शन करके आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे चले जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका यूज़र नेम और आपका अकाउंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो फटाफट हम ये सारे डिटेल्स अभी भर देते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप सबमिट के ऊपर आप क्लिक करते तो आपके सामने ऐसा स्क्रीन आएगा, यहाँ पे आपका जो है प्रोफाइल पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना रहता है। तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल देना है, उसके बाद फिर कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ऐसा कुछ न्यू स्क्रीन ओपन आके यहाँ पर मिल जाएगा आपको। यहाँ पर आपको पूछ रहा है आप यूजिंग ATM कार्ड या यूजिंग प्रोफाइल पासवर्ड किससे आप करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे प्रोफाइल पासवर्ड से ले लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोफाइल पासवर्ड डाल देना है, फिर आपको सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करते हैं तो आपके सामने न्यू स्क्रीन ओपन होगा, यहाँ पे आपको आपका जो है कुछ आपको हिंट क्वेश्चन आपको पूछेगा यहाँ पे, शायद पासवर्ड कुछ मिस्टेक हो रहा है, सॉरी। अभी हम फिर से पासवर्ड टाइपिंग करके यहाँ पे सबमिट करते हैं, ओके।
तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो आपको न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड यहाँ पे आपको पूछ रहे। तो आप जो नया पासवर्ड आप सेट करना है आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और अगेन वही पासवर्ड आपको यहाँ पे रिपीट करना है। रिपीट करने के बाद नीचे आप देख पा रहे होंगे सबमिट का एक ऑप्शन दिया गया है, वहाँ पे आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं आपका जो है पासवर्ड यहाँ पे सक्सेसफुली सेट हो जाएगा। अब देख पा रहे होंगे स्क्रीन में गाइस योर पासवर्ड सक्सेसफुली ओके। तो ऐसा कुछ आप जो है आप चेंज कर सकते हो, कुछ कन्फ्यूजन है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले एक नया वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।